तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग कि आरिफ भाई ये सारस को लेके आ रहे हैं और यहाँ पे काफी सारे पत्रकार और सभी लोग भीड़ लगा देखते हैं। तो आप सब देखिए यहाँ पे काफी भीड़ कि दिल दरिया समुंदर जैसी रवानी रखते हैं, कि दिल दरिया समुंदर जैसी रवानी रखते हैं। हमारे आरिफ भाई ये कैसे मानो है जो सारे यूट्यूबर के ऊपर अपनी जिंदगानी रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सूरज संगम कॉमेडी। तो दोस्तों मैं आज कॉमेडी वीडियो नहीं लेके आया हूँ मैं, बल्कि आज एक ऐसे शख्स से मिलने आया हूँ कि दोस्तों आप जानकर भी हैरान रह जाओगे कि इतना ज़्यादा बेमिसाल दोस्ती कैसे हुई। तो दोस्तों आप लोग जानिए सारस पक्षी और इंसान के बीच में इतना बेपनाह मोहब्बत कैसे बनी। तो दोस्तों आप लोग जान सकते हैं, दोस्तों मैं आज लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ आप सभी को, आप सब वीडियो में बने रहें दोस्तों। तो मैंने सबसे पहले आपको दिखाने वाला हूँ इस शख्स का घर। तो दोस्तों इस शख्स का नाम है आरिफ भाई। ये जो i10 फोर व्हीलर दिख रही ना, इसी से चलता है, उनका हार्वेस्टर है और सारस पक्षी से इतना बेपनाह दोस्ती हो गई। तो दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों आरिफ भाई लेके निकल चुके हैं अपनी सारस पक्षी, अपनी प्रेमिका को। तो दोस्तों देख सकते हैं काफी ज्यादा भीड़ है, इतनी ज्यादा संख्या में पत्रकार आए हैं, सब इतने इसी को देखने आए हैं, इस पक्षी को देखने आए हैं कि सारस और आरिफ के बीच में इतना मोहब्बत कैसे हुई। तो दोस्तों इतना ज़्यादा भीड़ लगा दिए कि सारस भी घबरा चुका है दोस्तों, डर के मारे कहीं भाग ना जाए, लेकिन अपने दोस्त आरिफ को छोड़ के नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं इतना ज़्यादा भीड़ लग चुका है कि सारस को हवा लेने में दिक्कत हो रही है दोस्तों। सारस गुस्से में लग रहा है, बिल्कुल गुस्से में लग रहा है। आरिफ भाई बाल बाल मना कर रहे हैं, भाई थोड़ा सा जगह दे दो भाई, लेकिन कोई मानने वाला नहीं, क्योंकि इस सारस पक्षी देख सकते हैं दोस्तों इतना ज़्यादा सुंदर है। और आरिफ भाई किस भी कर रहे हैं दोस्तों, देख सकते हैं इतना अच्छा प्रेम है कि नहीं, किस किए और उछलने लगा सारस, देख सकते हैं दोस्तों या क्या एक्टिंग में सारस उछलने लगा दोस्तों। यही सब बेपनाह मोहब्बत सबको पागल कर दिया, इन्हें सोशल मीडिया पर भी छाया हुआ है दोस्तों। अभी आप लोग जान ही रहे हो कि अभी जल्द में आए थे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी इस मोहब्बत को बढ़ावा देने के लिए, अखिलेश यादव जी आए थे। तो दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे लेवल के पत्रकार आए हैं, कोई मुंबई से आया है, कोई दिल्ली से आया है, कोई बॉम्बे से आया है, हर जगह हर तरह तरह के लोग आए हैं दोस्तों, इतना ज़्यादा इन दिनों इस वायरल पक्षी को देखने के लिए दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों आरिफ भाई बिल्कुल KGF की तरह लग रहे हैं दोस्तों, इनका थोड़ा थोड़ा लुक लग रहा है। तो आप लोग देखिए दोस्तों और प्यार दुलार सपोर्ट दीजिए दोस्तों इनको भी और हमारे चैनल को भी दोस्तों। देख सकते हैं इतना सुंदर पक्षी और इंसान के बीच की दोस्ती देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों देख सकते हैं लगता है प्यासा था और पानी पिला रहे हैं आरिफ भाई, देख सकते हैं कैसे सारस पक्षी एक इंसान के हाथों पानी पी रहा है दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों लगता है गुस्से में मारने भी लगा सारस और सभी को, आरिफ भाई बाल बाल मना कर रहे, देख सकते हैं दोस्तों कि थोड़ा दूर रहे थोड़ा दूर रहे। तो दोस्तों आज आप सभी को मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि आज ये जो आरिफ बगल लोग खड़े हैं दोस्तों सिर्फ आरिफ भाई के लिए खड़े हैं, अगर आरिफ भाई यहाँ से चले जाए तो सारस पक्षी किसी को खड़ा नहीं होने देगा दोस्तों, मारने लगेगा, सभी को मारने लगेगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कुछ खिला रहे हैं आरिफ भाई, लगता है रोटियाँ खिला रहे हैं आरिफ भाई, लेकिन गुस्से में सारस नहीं खा रहा है दोस्तों। कोई भी पक्षी हो देखिए, अभी हम भी हाथ लगा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहा है, क्योंकि आरिफ भाई यहाँ खड़े हैं, नहीं तो अभी तक कुछ भी कर सकता था। हाँ ठीक है ना। और इस पक्षी के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि जैसे अगर पाँव टूट गया उस समय अगर कोई आता तो भाई काट पीट करके कुछ भी कर सकता था, लेकिन मैं आरिफ भाई के बारे में मैं बोलना चाहूंगा, बहुत ही इंसानियत, बहुत बड़ी इंसानियत है, जान लीजिए अभी भी इंसानियत जिंदा है कि एक पक्षी के साथ जो है इन्होंने बहुत अच्छा बर्ताव किया ला करके। चर्चा मैं बहुत दिन से सुन रहा हूँ पिछले सोशल मीडिया पे, अभी हमारे पीछे एक पक्षी है तो हम सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, आरिफ भाई को हाथ लगाएंगे, देखेंगे पक्षी का रिएक्शन क्या होता है। ये आरिफ भाई को लगा रहे हैं हाथ, कुछ नहीं बोल रहा है, बहुत प्यारा पक्षी है, बस छोटे छोटे दो तीन क्वेश्चन है। आरिफ भाई आप सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से वायरल हो गए, ऑल इंडिया ही नहीं पूरे विश्व में लोगों के अलग अलग क्वेश्चन है, लोगों की अलग अलग भ्रांतियां है, कई लोग कह रहे हैं कि आरिफ भाई को बॉलीवुड से ऑफर आ रहा है, ऐसा कुछ ऑफर आपके पास आ रहा है? नहीं, ऐसा एक आध दो कॉल आई थी हमारे पास बॉलीवुड से,
अच्छा तो बात हुई है उनसे, पर अभी कोई वो नहीं। सोशल मीडिया का एक दौर और भी रहा है, जैसे रानू मंडल हुई, बहुत सारे कलाकार हुए सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज्यादा वायरल हो जाते हैं, तो उनके पास काफी भीड़ आती है, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। तो आरिफ भाई कुछ दिक्कतें तो आती होगी, क्योंकि आदमी का एक, आप लोग अगर ना आते मीडिया वाले तो जो हम दोनों लोग की कहानी थी गौने में सिमट के रह जाती। नहीं सही बात सही बात सही बात सही बात। अच्छा भीड़ से अभी अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आए थे, उन्होंने कुछ आपको कहा कि राजकीय पक्षी है, कुछ इनाम की घोषणा की उनकी सरकार आएगी, या आपको लगता है सरकार, आपने एक राजकीय पक्षी को पाल रखा है तो उससे आपको जो है सरकार कुछ आपको सपोर्ट करेगी इसके बारे में? तो पहली बात अखिलेश भैया आए थे, उनका तहे दिल से शुक्रिया, जहाँ आप लोग खड़े हैं यहीं पे खड़े थे वो। अच्छा हाँ यहीं पे। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो आपको लगातार सोशल मीडिया पे वायरल देख रहे हैं, मैं भी आज बहुत दूर से चलकर आया हूँ, करीब 100-150 किलोमीटर से, तो एड्रेस आपका ढूंढने में जो यहाँ के लोकल के 10-20 किलोमीटर के दूर के वायरल हो होता, तो जहाँ आप लोग आए थे जो टीन सेट बना हुआ, इसमें हमारी 40 गाय बंदी होती जी, गौशाला हमारे पास थी। और दोस्तों देख रहे हैं आप, यही ये नहीं है कि पशु प्रेम इनका सारस के साथ पहला है, इसके पहले भी इसके पूर्व भी इनका पशु प्रेम जग जाहिर है, और बहुत से लोग आरिफ को आज नहीं जानते कि इन्होंने सारस जिलाया है, इसके पहले इनके पास बता रहे जैसा कि आरिफ जी कि 40 गाय हुआ करती थी जी जी कुछ दिनों पहले। तो इसकी एक बार आप प्रेम कहानी की स्टार्टिंग लव स्टोरी बता। जैसे बचपन से लगाव था, कुत्ता हमारे पास बचपन से है, पता नहीं कितनी वैरायटी का चुके हमको पता ही नहीं है। और मुर्गी है, बकरी है, भैंस है, गाय 40 थी, पूरा गौशाला थी। और उसके बाद रहा इसका ख्याल, तो इसको हमने इंसानियत के नाते जो होता है एक इंसान का धर्म वही हमने किया, हमको नहीं पता था, ये मेरे साथ रहने लगा क्योंकि हम तो चाहते थे अपने परिवार में चला जाए, किसी को किसी के परिवार से बिछड़ना नहीं चाहिए, इसलिए हम चाहते थे, पर ये गया नहीं, ये मेरे साथ ही रहने लगा। ठीक है दोस्तों, एक बार आप पूरा ऊपर से नीचे तक देख लीजिए किस तरीके से कितना बड़ा पक्षी है, और इससे थोड़ा सा आरिफ भाई ने जैसा कि पहले भाई देखो ने गोटी वोटी लगे अच्छे काम किए हैं तभी जो है जो है वन विभाग टीम आई हो यहाँ पर। नहीं वन विभाग टीम आती है, अगर हम इसको बंद करके रखते बांध के रखते, हम तो इसको बाइक से जाते साथ साथ उड़ती है, जहाँ जाना होगा चला जाएगा। हमें यही होता है कि आप जो है जय वीरू की जोड़ी है, कुछ भी नाम दी थी, और इसको बांध के नहीं रखी, इसको हम जब से चली जाएगी हम बांधे नहीं है। तो जैसे आपको सुबह सुबह जो है ढूंढता भी होगा, या सुबह सुबह हम दोनों लोग जाते हैं पहले मॉर्निंग वॉक में पैदल 2 किलोमीटर, उसके बाद बाइक से 5 किलोमीटर पर डे सुबह 6 बजे। तो पीछे इसके साथ आया भीड़ कहाँ आएगी, यहाँ सब लोगों की आदत पड़ गई देखने की ना। अच्छा अच्छा, इसकी मतलब टांग कैसे, कौन सी टांग अभी दिखाई नहीं दे रही, सब लोगों को दिखाई दे रही है, टांग सब लोगों को दिखाई दे रही, बताने की जरूरत नहीं। अच्छा मलहम पत्ते जब हुई तो कितने महीने में जो ठीक हो गया था? सारस को देखने और आरिफ भाई की दोस्ती देखने के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ उमड़ चुकी है, और दिन पे दिन भीड़ काफ़ी बढ़ती जा रही है यहाँ पे। और अभी भाई इंटरव्यू दे रहे थे धूप में, तो सारस गुस्से में हो गया, और सारस को लेके छाया में गए हैं, अभी यहाँ पे होगा इंटरव्यू, तो आप सब वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों देख सकते हैं, यह है आरिफ भाई का घर, और यहीं का सीन आप लोग ज़्यादा देखते हैं, देखते हैं दोस्तों। आप लोग देखिए यहाँ पर सारस रहने का जगह है, यहीं पर सारस रहता है, आरिफ भाई यहीं पर इसको रखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे निकलने का कोई जगह भी नहीं है, सारस यहीं पे खाना पीना खाता है, यहीं पे देते हैं, और वहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, वो ये देख सकते हैं दोस्तों, तसले में कुछ उसका खाना पीना रखा हुआ है, और ये सारस रहा, क्योंकि इंटरव्यू लेने में दिक्कत हो रहा था, काफ़ी लोग भीड़ लगा लिए थे, इसीलिए सारस को गुस्सा आता होगा, इसलिए सारस को यहाँ पर रख दिया ला के आरिफ भाई ने। तो दोस्तों यही सब था आज का हमारा वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट कॉमेडी वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।